वहां थे हम, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर बात हो रही थी, तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी हो गई 21 लाख। अब एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू, हमने एक मशीन ली, ठीक है, एक मशीन ली, मशीन वन, इसका जो इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 10 लाख रुपए की, ये मशीन थी। अब ये मशीन हमने जहां से मंगवाई उसने कैरेज ली, कैरेज मतलब ट्रक में भर के मशीन आई, तो 1 लाख रुपए उसने कैरेज ली, ट्रक से मतलब शिप से आई, शिप से फिर ट्रक में आई, तो टोटल हमारे 1 लाख रुपए लग गए उसको लाने के लिए। इस पे कुछ टैक्सेस भी लगे, ड्यूटीज लगी, सरकार ने लगाई, तो 50,000 रुपए की ड्यूटीज लग गई, ठीक है। फिर इसको इंस्टॉल कराना पड़ा, जब इसकी इंस्टॉलेशन कराई तो उसमें हमारा 2.5 लाख रुपए लग गया, ठीक है। फिर हमने इसका एक इंश्योरेंस भी कराया, अभी इसको यूज नहीं करा, उस पे हमारा 1 लाख रुपए लग गया, ठीक है, या सॉरी 50,000 रुपए लग गए। फिर पता चला मशीन में थोड़ी खराबी आ गई, अभी पहली बार यूज भी नहीं करी थी, थोड़ी खराबी आ गई, तो उसकी थोड़ी सी रिपेयर्स कराई, अभी यूज नहीं करा, 50,000 रुपये वहां पे भी लग गए, ठीक है। अब आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ उसमें और खराबी आ गई, तो उसमें हमारे 1 लाख रुपए और लग गए। तो बताइए व्हाट शुड बी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या पड़ी? 15 लाख इज द राइट आंसर। देखिए आफ्टर 1 मंथ जो 1 लाख का खर्चा हो रहा है वो यूज करने के बाद रिपेयर्स होती रहती है, दैट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, लेकिन जो एसेट की कॉस्ट में जाएगा दैट विल बी 15 लाख, ठीक है, क्योंकि वो हम उसको इंस्टॉल करा रहे, थोड़ा बहुत माइनर रिपेयर आ गया हमने करा दिया। जैसे बिल्डिंग कोई बन रही होती है तो बिल्डिंग बनते टाइम उसमें कोई भी खर्चा करा रहे हो तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा, लेकिन 2 साल बाद आप उसे पेंट करा रहे हो वो उसकी कॉस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, वो नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, वो एसेट में नहीं जाएगा, वो बिल्डिंग में नहीं जाएगा, वो नॉर्मल खर्चों में जाएगा। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है तो पूछो। वी हैव कवर्ड फोर मोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सिक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पहला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, दूसरा एक्रूअल प्रिंसिपल, तीसरा, तीसरा कौन सा था भाई, तीसरा था हमारा, तीसरा प्रिंसिपल था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, चौथा मैचिंग प्रिंसिपल, पांचवा रिवेन्यू रिकॉग्निशन, और छठा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो वी आर लेफ्ट विथ 5 मोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नेक्स्ट क्लास के अंदर वो भी हमारे कवर हो जाएंगे, और जो मुश्किल वाले थे वो सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बाकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कराऊंगा, आप वीडियोज में देखते रहना।